ये सानू तुसी कहने हो कि कानून बहुत अच्छा वा तो सानू तुसी बाकी सारे देश में लागू कर दो, सानू कोई इतराज़ नहीं गा, पंजाब स्टेट नू छड़ दो, पंजाब दी विधानसभा का एक सैशन बुलाओ और उस सैशन दे विच एक कानून ही रद्द कर दो, देखी जो आर पार की लड़ाई लड़ लो। जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने संघर्ष किया 25 तरीक का उहदी 100% सपोर्ट करते हैं, जिन्ने भी साडे जान आ और असी उन्हों का इस किसान विरोधी कानूनों लेकर संघर्ष का समर्थन कर। कृषि बिलों के खिलाफ सुखपाल सिंह खैरा समेत 5 MLA वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है तो अपना विरोध जताया गया, उस चिट्ठी के विच की है तो हुण अगे की रणनीति इस बारे गल करने लिए साडे नाल हैगे सुखपाल सिंह खैरा। खैरा साहब सब तो पहला स्वागत है। हाँ जी बहुत शुक्रिया सारा, मेरी फतेह है जी। खैरा साहब चिट्ठी तुसीं लिखी है प्रधानमंत्री नूं, की लिखा है चिट्ठी? असी बल्कि अज्ज 3 इंपोर्टेंट इशूज़ नूं टच किया वा। सब तो पहला मैं दस देना चिट्ठी बारे कि असी प्राइम मिनिस्टर नूं ये चिट्ठी लिखी आ आर्टिकल 371 का वेरवा देकर कॉन्स्टिट्यूशन का कि कुछ कानून जिहड़े ने उन्हां कानूनां कुछ स्टेटां नूं छोटां दित्तियां जांदियां ने, अगर उन्हां नूं कोई कानून पसंद नहीं आउंदा जां उह समझदे ने कि साडे ये वातावरण दे या लोकां दे अनुकूल नहीं गए तो आर्टिकल 371 का ए क्लॉज तो लैके जे क्लॉज तक 10 स्टेटा महाराष्ट्र गुजरात मोदी साहब की गोवा तो नॉर्थ ईस्ट दी स्टेटा वो प्रोटेक्टेड ने। असी भी उन्होंने यही कहा कि इस तर्ज पर यह सानू तुसी कहने हो कि कानून बहुत अच्छा वा तो सानू तुसी बाकी सारे देश में लागू कर दो, सानू कोई इतराज़ नहीं गा, पंजाब स्टेट नू छड़ दो। आर्टिकल 370 सी ना जिहड़ा जम्मू कश्मीर का जिहड़ा हुण इन्हां ने एक साल पहला खत्म करता, उहदे च इह प्रोविजन सीगी और पार्लीमेंट जदों कोई लॉ पास करदी सी उहदे च एक लिखिया लैंदा सीगा कि यह लॉ जिहड़ा सारे भारत में लागू होगा पर जम्मू कश्मीर लागू नहीं होगा। सो देर इज़ अ प्रेसीडेंट, देर इज़ ए प्रोविजन इन द लॉ, इस करके असी ये मंग की आ। तो जे उन्होंने मिथ्या ही होया कि असी कानून लागू करना ही करना वा तो पंजाब के की कहिंदे हुंदे हकूक ते डाका मारना वा तो इन्हों का 4,000 करोड़ रुपया जिहड़ा मंडी बोर्ड को इकट्ठा हुंदा परचेज प्रणाली चो असी खोना वा, फिर तो इहदा साडे कोल कोई होर हल नहीं गा। फिर असी कैप्टन साहब नूं ये कह सकते हैं कि आओ पंजाब की विधानसभा का एक सैशन बुलाओ और उस सैशन दे विच ये कानून ही रद्द कर दिओ, फिर देखी जाओ आर पार की लड़ाई लड़ लो या फिर पंजाब है या फिर वो, क्योंकि पंजाब का किसान पहले ही ऑलमोस्ट की कहिंदे हुण ते तैश नैश हो चुका, 1 लाख करोड़ का करजई आ, आत्महत्या रोज़ पंजाब दे विच हो रही, तो इन्हां हालातों में जे हले भी केंद्र सरकार काले कानून लागू करे या किसानां दे की कहिंदे हुण मौत दे वारंट जारी करे ये बहुत माड़ी गल आ। जमहूरीयत विच सब तो मुढ़ला असूल यही आ कि जो कानून बनावेगी केंद्र दीआं सरकारां ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਦੀ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ BJP ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4 MLA ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 MLA ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਆ, 3 ਜਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ MLA ਰਾਏਕੋਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਚ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ BJP ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ
अकाली दल बहुत अच्छी रीजनल पार्टी सी, लेकिन उन्होंने अपना किरदार ही गवा लिया, वो भटक चुके ने। वो बीजेपी की जिदा हुण जम्मू कश्मीर के दो टोटे गए, उन्होंने वोट नहीं सी पाउणी चाहिए। उन्होंने सी डबल ए का एक एंटी माइनोरिटी बिल पास किया, उन्होंने वोट नहीं सी पाउणी चाहिए। ऑर्डिनेंसा पहले दिन तो रद्द करना चाहिए। इसलिए इस मंच की भी सोच विचारधारा यही है। खेरा साहब, तुसी हरसिमरत कौर बादल दे इस्तीफे नूं किस तरह देख रहे हो? कुरबानी, वो कह रहे कि असी कुरबानी दी, कि असल दे विच कुरबानी नहीं, ये एक किस्म का स्टंट, पोलीटिकल स्टंट सीगा। पहला तीन महीने वो विरोध करते रहे, आपां सारिआं ने देख लिया, इत्थों तक कि बादल साहब तो भी घवाता कि ये कानून जिहड़ा ऑर्डिनेंस है बड़े अच्छे ने। हुण जदों इहदा सेक लग्गिआ ना उहनां दे घर तक, जदों किसानां ने बादल पिंड दा वी घराओ करता ते सारे पंजाब च हाहाकार मच गई, उदों रियलाइज़ कीता कि हुण सानूं इहदा विरोध कर। हले भी विरोध हाफ हार्टेड है, अगर वाकई विरोध है तो इस्तीफा देने दे नाल नाल इन्हों बीजेपी ना उदनी अलायंस तोड़ देना चाहिए सी। हुण की कहिंदे आ कि असीं तुहाड़े नाल सहमत भी नहीं, लेकिन असीं तुहाड़े नाल भी रहांगे। ये तो एवं की कहिंदे हुंदे दोगली जी राजनीति नज़र आ रही आ। और मैं तुहानूं दावे ना कह सकदा कि जिहड़ा अकाली दल दा इह इस्तीफे दा इंपैक्ट पैना चाहिए सीगा, वो नैगेटिव इंपैक्ट पिया पंजाब दे लोकां ते, इन्हां दी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं वधी इस गल दे नाल। अच्छा, 25 तरीक तो बाद दा भी कोई तुहाडा प्लान हैगा इस तरीके इसी बिल? हाँ जी, पक्का। ये मेरा ख्याल है कि संघर्ष लंबा चलेगा, और मैं समझदा कि सारिया पोलीटिकल पार्टियां नू एक थां इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहिए। वैसे असी कर रहे हैं सारे, मैं भी कल जाके जंडियाले असी इहदा विरोध करांगे, बट वाई डू इट अलोन, वाई नॉट कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड डू इट? बिकॉज ठीक है तुसी अपने वोटां वेले राजनीति अलग कर लियो, पर हुण तां सानू सारिआं नू एक प्लेटफॉर्म ते आउणा चाहिए। ये है, और मैं समझदा कि जिद्दां दा वातावरण पंजाब दे विच क्रिएट हो रहा ना, ये वायलेंट भी हो सकदा। ये जो 80 दे दहाके विच पंजाब दे हालात होए, क्योंकि सारा यूथ तो साडा उजड़िया पिया वा, सारा फ्रस्ट्रेटिड है, नौकरियां है नहीं गईयां, नशियां वल नूं जा रहे ने, विदेशां च भज रहे ने। ये जिहड़ा बीजेपी की सरकार ना धक्का जिहा कर रही है, ये उन्होंने करना नहीं चाहिए। पर जिस तरीके नाल केंद्र सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री भी बार बार जोर पा के कह रहे कि MSP खत्म नहीं हो रही, मंडी खत्म नहीं हो रही है, क्यों इस चीज़? नहीं नहीं नहीं, APMC एक्ट जिहड़ा वो मंडी तो खत्म कर रहा वा। हाँ, वो कहिंदे MSP नहीं खत्म करांगे, MSP रही जाऊगी, एक दो साल सानू दे भी देणगे, तो बाद विच वो कहणगे जी MSP हैगी आ, खरीद नहीं करांगे। हुण तुसीं देखो ना, मक्की दे भी MSP आ, कपाह दे भी MSP आ, दालां दे भी MSP लागू तो कोई करदा नहीं गा, सिर्फ कणक ते झोने ते सीगी। और जिहड़ा एडवोकेट कर रहे ने PM साहब के ओपन मार्केट फ्री मार्केट करांगे, ये सारे जिहड़े फॉर्मूले ने ना एक्सपेरीमेंट, ये वैसटर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप फेल हो चुके ने, कई दहाके पहलां फेल हो चुके ने। सो दे शुड लेट घट्टो घट सानू स्पेयर कर देन पंजाब नू कि असीं इस कानून तो तुहानू बाहर रखांगे। कहना साहब, आखिरी सवाल, कांग्रेस के मैनीफेस्टो भी सीगा कि APMC एक्ट लैके आना है, तो हुण क्यों? हाँ, वो एक मैं देखा वो कॉन्ट्रोवर्सी जी बनी, क्योंकि BJP के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लीमेंट में, मैं सुनया कि इन्हों ने, राहुल गांधी ने ते कैप्टन ने अपने मैनीफेस्टो पाया होया सीगा कि असी APMC अबोलिश करांगे, जबकि कांग्रेस इसनू डिनाई कर रही। दैट्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट एक्चुअली। और अगर मैं देख नहीं सकया, अगर उन्होंने किया वा तो फिर मैं समझता फिर BJP तो कांग्रेस की फर्क है इन्होंने नीतियों के विच। धन्यवाद। बिल्कुल, तुसी सुनिया सुखपाल सिंह खैरा तो, जिहड़ा कि कह रहे कि 25 तरीक नूं किसानां दे नाल जिहड़ा संघर्ष हो रहा उहदे विच तां हिस्सा लवांगे, नाल नाल उहदे नाल नाल अग्गे दी भी पूरी रणनीति है वो लिखी गई है। तो 5 MLAs वल्लों अज जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी नूं चिट्ठी लिख के इस बिल दा जिहड़ा विरोध जताया गया। चंडीगढ़ तों कैमरामैन उमा यादव दे नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा TV। All World Open Challenge 17-time Gold Medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, Inna Chora Thagga To Saavdan, Specialist Vashikaran, Sitta Number, Love Marriage, Pati Patni Ch Anban, Videsh Ch Pakka Hona, Karobar Da Na Chalana, Sirf 31 Ghantiyan Vich Samadhan, Free 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 Mia Rafiq Mohammed, Mobile 84374-9647, 84374-9648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।